दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई न्यूली फेसलिफ्ट डिजायर के बारे में। फेसलिफ्ट तो नहीं कहूंगा भाई, मैं तो जनरेशन चेंज ही कहूंगा, क्योंकि गाड़ी का आगे से तो पूरा लुक ही चेंज कर दिया। पीछे से भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चेंज देखने के लिए मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई डिजायर में अब आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने के लिए मिल जा रही है। जहां पे पहले लोगों की शिकायतें रहती थी भाई यार इसमें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलती है, थोड़ा सा सेफेस्ट गाड़ी नहीं है, तो अब आपकी वो शिकायत भी कंपनी ने यहाँ पे दूर कर दी है। डिटेल से बात करेंगे हम यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है, और अगर भाई चैनल में आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी भाई है, डिजायर का सेकंड बेस वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, यानी VXI वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। एक्सशोरूम वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो भाई ये गाड़ी आपको 779 का एक्सशोरूम देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 9,10,000 के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिलती है। फ्रंट से बात करेंगे सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आप देखिए इसका ग्रिल पोर्शन टोटली चेंज देखने के लिए मिलता है। हेडलैम्प असेंबली आपको टोटली यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिल जाती है। मैटी में ग्रिल पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्लॉसी और विद क्रोमिंग का इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हेडलैम्प असेंबली में अगर बात करेंगे तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो लो बीम हाई बीम आपको यहीं पे मिलता है। यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर है, हेलोजन में ही आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट देखने के लिए मिलती है। नीचे बात करेंगे यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन आप एज एन एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे इंस्टॉल जरूर करवा सकते हैं। अगर ओवरऑल विड्थ की मैं बात करूंगा यहाँ पे तो आपको 1735 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी की। फ्रंट का चेंज तो हमने जाने भाई, साइड का चेंज अगर देखें तो भाई कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे गाड़ी देखने के लिए मिलती है। साइड पोर्शन से भी अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो अब ये इस गाड़ी का जो लुक है बड़ा क्लासी यहाँ पे निकल के आता है। और दूसरी चीज भाई अब आपको ये भी फील नहीं होगी आप एक टैक्सी वाली गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं, क्योंकि पहले जो डिजायर थी वो आपको सेम वेरिएंट टैक्सी में भी देखने के लिए मिल जाते थे, तो एक फील थोड़ा सा अच्छा नहीं आता था। लेकिन अब कंपनी ने क्या करा है भाई, ये हटके ही इसलिए इन्होंने चेंज कर दी पूरी, कि जो पुराना वाला जनरेशन थी वो आपको टैक्सी में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन वाली जो गाड़ी है ये आपको टैक्सी में देखने के लिए नहीं मिलती है। ओवरऑल लेंथ की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो आपको 3995 mm की लेंथ देखने के लिए मिलती है, और अगर बी प्लस की मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे भाई मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 1525 mm की हाइट देखने के लिए मिलेगी। व्हील बेस की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है 2450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा 163 mm का। यानी कि आप समझ रहे हैं कि भाई डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। अगर मैं टायर की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टील व्हील रिम, और टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा 165/80R14 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। व्हील कवर देखेंगे तो भाई ये हटके ही मिल रहे हैं, पहले व्हाइट मिलते थे, अब ग्रेइश पैटर्न में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं जरूर हाँ, लेकिन ओवियम में आपको यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं ये भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे। को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी जो कैपेसिटी आपको मिलती है भाई 37 लीटर की देखने के लिए मिलेगी। पीछे से बात करेंगे तो भाई गाड़ी का फ्रेश लुक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले जो नोटिस होता है भाई वो होता है इसका ये स्पॉइलर, लिप स्पॉइलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो है, डिजायर की बैजिंग है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे जैसा आपने फ्रंट ग्रिल पोर्शन में देखा था कि ग्लॉसी विद क्रोम इंसर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी विद क्रोम इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और अगर टेल लैम्प की बात करूंगा तो भाई फ्रेश टेल लैम्प्स यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई, ये आपको LED में मिलेगा। LED में ब्रेक लाइट मिल जाती है, जो रिवर्स लैम्प है वो आपको हेलोजन में मिलता है, और जो इंडिकेटर है ये भी आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन टेल लैम्प्स पहले से काफी अच्छे खासे मिलते हैं, देखिए पूरा स्मोकी फिनिश वाला है, अंदर से पूरा ब्लैकिश पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। पार्किंग सेंसर्स की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और जो बम्पर का डिजाइन है वो भी पहले से चेंज है। यहाँ पे आपको हल्के से ये देखिए क्रीजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको भाई सेंटर में स्टॉप लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, डिफॉगर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बूट की बात करूंगा तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस बूट आपको भाई कुछ इस तरीके से मिलता है। 382 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे आपको। बूट लैंप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो भाई स्टेपनी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। स्टेपनी का साइज आपको सेम मिलता है जो आपका टायर का साइज है, यानी 14 इंच का ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी स्टेपनी भी। बाकी टूल किट वगैरह यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल बूट तो हुआ कवर, बूट को कर लेते हैं बंद यहाँ से। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, वहां देखते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये देखो, तो डोर पैनल अगर खोलेंगे तो डुअल टोन में मिलेगा आपको, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिल जाएगा। 4x4 पावर विंडो के स्विच है, सेंटर लॉकिंग का बटन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर स्पेस है, यहाँ पे आपको मैप पॉकेट देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है। इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। बैठ के देखते हैं
तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा डिजाइन पैटर्न, पहले से फ्रेश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब गाड़ी ही पूरी फ्रेश फ्रेश यहाँ पे बना दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डैशबोर्ड में सिल्वर का पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जो यहाँ पे कैरी होता है। यहाँ पे आपको बीच का कॉम्बिनेशन है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम भाई 7 इंच का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे दो एसी वेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, लेकिन ये आपको ऑटो में नहीं मिलता भाई। ये चीज इन्हें कैरी करना चाहिए, भाई ऑटो में ही दे देते बेस टू टॉप तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्स एसी का फंक्शन जरूर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ फिर नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो भाई टाइप ए का यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए प्लेस है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 कप होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। गियर नॉब बात करेंगे तो भाई ये आपको टॉप में भी ऐसा ही मिलता है, इसमें भी आपको ऐसे ही मिल रहा है सेकंड बेस में। फिर 5 स्पीड ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है, यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा। बाकी यहाँ बात करेंगे ग्लोब बॉक्स में तो भाई ये देखिए कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा, डिसेंट सा स्पेस है। स्टेरिंग व्हील की बात करेंगे तो आपको फ्लैट बॉटम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सेंटर में सुजुकी का लोगो, यहाँ आउटर से आपको क्रोमिंग का वर्क है। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी इस साइड देखेंगे तो आपको वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा, एडल्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा, फ्यूल टैंक का लिड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, गाड़ी का हुड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो भाई ये तो खैर मारुति की अच्छी चीज है कि जो डोर हैंडल्स देता है ये आपको क्रोम फिनिशिंग में ही देखने के लिए मिलते हैं। अब चाबी की बात करूंगा तो चाबी भाई आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एक बार इसे ऑन करते हैं और यहाँ लगाते हैं, ये देखिए भाई क्लस्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा, सिस्टम ऑन नीवा, और ये भाई ये भी हो गया, सुजुकी का लोगो भी आ गया। यहाँ पे आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड में आरपीएम मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, सेंटर में आपको एमएमआईडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। बड़ी देर में बोल रहे गुड इवनिंग, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ओके, फिर यहाँ देखेंगे तो भाई ये देखिए यहाँ से आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, रेंज वगैरह ई ये हो गया रेंज वगैरह। बाकी ये वाले से आप चेंज करेंगे टाइमिंग वगैरह मेरे ख्याल से, अरे इससे भी वही चीजें हो रही और इससे भी वही चीजें हो रही, मतलब भाई फर्क कुछ नहीं है, ट्रिप ट्रिप भी यहाँ से दिखाएगा, दोनों चीजों सेम ही चीजें होती है। फिर यहाँ देखेंगे तो भाई ये देखिए आपको मैनुअली एडजस्टेबल आईआरएम मिल जाता है, रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे हैलोजन में मिलेंगे, माइक की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों देखने के लिए मिल जाएगा, वायरलेसली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो ये मिलेगा तो खैर आपको टिल्ट ही, भाई टिल्ट ही मिल रहा है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं आता, ये आपको टॉप में भी नहीं मिलेगा भाई, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ओनली टिल्ट ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर कंफर्ट की बात करूं तो भाई ये देखिए कंफर्ट की बात करूं तो भाई हेडरूम स्पेस तो खैर आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो वो भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं अपने बैक पोर्शन की बात करूंगा तो ये भी भाई काफी अच्छे से मुझे कंफर्टेबल फील कराती है। यहाँ पे अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर की बात करूं तो काफी अच्छा खासा डिसेंट सा इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई बाहर से तो गाड़ी क्लास लगती है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमने बात कर ली इंटीरियर की, फ्रंट के अब बात करते हैं रियर के इंटीरियर की, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये देखिए रियर का डोर खोलता हूँ तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल वही क्रोमिंग में है, वही पैटर्न आपको मिल जा रहा है जैसा हमने फ्रंट डोर में देखा था। स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे बॉटल होल्डर स्पेस मिलेगा। गाड़ी में टोटल आपको 4 ही स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। और रियर से इंटीरियर की बात करूंगा तो ये देखिए, अरे भाई क्या बात है, पीछे के जो हेडरेस्ट आते हैं भाई ये आपको एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 पॉइंट्स में सीट बेल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, रियर एसी वेंट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। और बात करते हैं अंदर बैठ के, ये देखो भाई सीट्स में लेगरूम स्पेस अच्छा खासा है, नीरूम स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको भाई फोन रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। और ये देखेंगे भाई ये क्या है, ये टाइप ए का पोर्ट है, और ये क्या है, ये है आपका टाइप सी का पोर्ट, यानी टाइप ए टाइप सी दोनों पोर्ट्स मिल जाते हैं। मैगजीन पॉकेट को ड्राइवर सीट के पीछे ही मिलेगी, ड्राइवर सीट के पीछे नहीं मिलती। रीडिंग लैंप भाई यहाँ पहुंचा रखा है इन्होंने यार, ये इन्होंने चेंज करना चाहिए था यार, अब की बार यहाँ देना चाहिए था फिर भी नहीं दिया। और भाई लेकिन हाँ जो इसका सनरूफ वाला वेरियंट है ना भाई, उसमें रीडिंग लैंप्स यहाँ पे आते हैं, वो अच्छी चीज है, बीच में सनरूफ आ जा रहा है ना, वहाँ पे दे नहीं सकते थे। बाकी ग्रैबिंग हैंडल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है भाई। ये देखिए भाई आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसमें 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करूंगा कंफर्ट की, भाई रियर से कंफर्ट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, हेडरूम स्पेस भी है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं काफी लदर के बैठा हूं, यानी कि रिक्लाइनिंग एंगल आपको यहां पे ठीक ठाक देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी हर गाड़ी तो पहले भी स्पेशियस ही थी क्योंकि डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, तो वही डायमेंशन मिल रहे तो स्पेस वाइज में कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंटीरियर, अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओ भाई 5-star सेफ्टी रेटिंग तो यहाँ पे भी दिख रही है भाई, हुड हैवी फील हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये है कुछ इसका नया इंजन क्यों करूं भाई, क्योंकि इसमें भी अब आपको स्विफ्ट वाला इंजन देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ी सी पावर फिगर आपको कम लगेंगी, फिर भी मैं बताऊं तो 1200 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन माइलेज भाई और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
पावर की बात करूँ तो 80 की BHP इंजन निकाल के देता है, और टॉर्क की बात करूंगा तो 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर माइलेज की बात करूं तो भाई 24.7 KMPL के यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं उस तरीके से माइलेज गेन कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें सेफ्टी में तो भाई आप तो जानते ही हैं, जैसे कि 5 स्टार गेन कर चुकी है सेफ्टी रेटिंग में, तो भाई उसमें तो कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको ABS ABD देखने को मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स आपको एज अ स्टैंडर्ड फीचर देखने के लिए मिलते हैं। वारंटी की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, जिसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं यानी एक्सटेंड करा सकते हैं। नीचे से आपको देखिए इंजन प्रोटेक्टर शीट भी है, यहाँ पे आपको इंसुलेशन का वर्क है, यहाँ पे भी आपको इंसुलेशन का वर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भाई 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस न्यू नवेली स्विफ्ट डिजायर के बारे में। हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा है भाई VXI वेरिएंट यानी सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा है, लेकिन भाई देखते ही इस गाड़ी का लुक ना निराला बनता है। ये देखो भाई, मतलब आपको ऐसा लग रहा कि भाई ये एक स्विफ्ट गाड़ी है भाई, पूरी टोटली चेंज कर दी भाई। लुक्स में अगर बात करेंगे ना तो अच्छा खासा लुक्स मिल जा रहा है। बेस से ही आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 6 एयरबैग जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, काफी अच्छा खासा फीचर्स मिल रहे हैं। तो हमने डिटेल से बात करी यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। और हाँ भाई, ये गाड़ी का जो मैं वीडियो शूट करने आया हूँ ना भाई, ये आया हूँ भाई मैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल्स चाहिए, या मारुति की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई डिटेल्स चाहिए, तो जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां पे जाके इन्हें कॉल कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर तो जरूर करना। और हाँ, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।